चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त हेमंत विश्व शर्मा जो है वो पद और गोपनीयता की शपथ ले रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री बनेंगे। हेमंत विश्व शर्मा शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। मिनिस्टर डेजिग्नेट एंड मिनिस्टर्स डेजिग्नेट आर प्रेजेंट टू टेक द ऑथ ऑथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी। आई रिक्वेस्ट यू परमिशन टू प्रेजेंट देम। Dr. Himanta Biswa Sarma, Chief Minister Designate. I, Moi, Moi, Sri Himanta Biswa Sarmai, Ishwaror Namot Shopot Khai Kou Je, Bidhir Dara Sthapito, Bharotor Songbidhanor Proti, Moi Prokito Biswas Aru Anugotyo Poshon Korim. Moi Bharotor Sarbhoumotto Aru Okhondota Rakkha Korim. মই অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে বিশ্বস্ততাৰে আৰু শুদ্ধ অন্তঃকৰণৰে মোৰ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিম আৰু মই ভয় বা পক্ষপাত অনুৰাগ বা বিদ্বেষ নোহোৱাকৈ সংবিধান আৰু বিধি অনুসাৰে সকলো প্ৰকাৰ লোকৰ প্ৰতি ন্যায় আচৰণ কৰিম। মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঈশ্বৰৰ নামত শপত খাই কওঁ যে অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ কৰ্তব্যৰ যথাযথ সম্পাদনত আৱশ্যক হোৱাৰ বাহিৰে মই এনে বিষয় যি মোৰ বিবেচনাৰ কাৰণে অনা হ'ব বা অসম ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰূপে মোৰ জ্ঞাত হ'ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহৰ ওচৰত প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে জ্ঞাপন বা প্ৰকাশ নকৰিম। और दिसपुर से ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे। हेमंत विश्व शर्मा जो है असम के मुख्यमंत्री बने, उन्हें राज्यपाल ने शपथ दिलाई, राज्यपाल जगदीश मुखी ने शपथ दिलवाई है। और उसके बाद शपथ लेने के बाद कह सकते हैं कि असम के अब नए मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा। सर्वानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा का नाम जो है वो आगे चल रहा था, लगातार बैठकें हुई और फिर अंतिम निर्णय जो लिया गया। विधायक दल की जब बैठक हुई रविवार को, उसमें नेता चुने गए विधायक दल के और फिर एनडीए के नेता चुने गए। और आज देखिए शपथ ग्रहण समारोह में हेमंत विश्व शर्मा ने असम के मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल जगदीश मुखी ने शपथ ग्रहण करवाया है। तो देखिए ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री के तौर पर, 15वें सीएम बने हैं वो असम के। और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर ऑस्ट्रेलियाई अखबार की माने तो चीन 2015 से कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहा था। अखबार का दावा है कि दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि चीन कोरोना वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था। जानकारी ये मिली है कि खुफिया दस्तावेज अमेरिका के पास है जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 2015 में ही चीन जो है इस महामारी, इस कोविड-19 कोरोना के ऊपर जो है रिसर्च कर रहा था। अचानक नहीं आई कोरोना की आफत, छह साल पहले चीन ने रच ली थी साजिश। ये खुलासा तो बीते साल ही हो गया था कि दुनिया पर आए कोरोना संकट की वजह चीन की नापाक हरकतें ही हैं। अब विदेशी मीडिया की एक रिपोर्ट ने इस बात पर फिर से मोहर लगाई है।
कोरोना वायरस 2020 में अचानक नहीं आया, बल्कि इसकी तैयारी चीन 2015 से ही कर रहा था। चीन की सेना 6 साल पहले से कोविड-19 वायरस को जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की साजिश रच रही थी। द वीकेंड ऑस्ट्रेलियन ने अपनी रिपोर्ट में ये खुलासा किया है। रिपोर्ट में चीन के एक रिसर्च पेपर को आधार बनाया गया है, जिसमें कहा गया है कि चीन 6 साल पहले से सार्स वायरस की मदद से जैविक हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिक और हेल्थ ऑफिसर्स 2015 में ही कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे। उस समय चीनी वैज्ञानिकों ने कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध में इसे जैविक हथियार की तरह उपयोग किया जाएगा। इस बात पर भी चर्चा हुई थी कि इसमें हेरफेर करके इसे महामारी के तौर पर कैसे बदला जा सकता है। रिपोर्ट में इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि जब भी वायरस की जांच करने की बात आती है तो चीन पीछे हट जाता है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता। पिछले साल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक तौर पर कोरोना को चीनी वायरस बताया था। उन्होंने कहा था कि ये चीन की लैब में तैयार किया गया है और इसकी वजह से दुनिया का हेल्थ सेक्टर तबाह हो रहा है, कई देशों की इकोनॉमी इसे संभाल नहीं पाएगी। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया था कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास इसके सबूत हैं और वक्त आने पर ये दुनिया के सामने रखे जाएंगे। बहरहाल ट्रंप चुनाव हार गए और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब तक इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। इस बीच दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिन दुनिया में 7.83 लाख नए केस आए, जबकि 13,022 लोगों की मौत हुई। कोरोना का कहर सबसे ज्यादा भारत और ब्राजील में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है। यूपी में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 23,333 नए केस जो है उत्तर प्रदेश में सामने आए। रविवार को यूपी में कोरोना से 296 लोगों की मौत हुई है। रविवार को 34,636 लोग ठीक भी हुए हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश में कोरोना की मार है, लेकिन दूसरी तरफ ठीक होने वालों की तादाद भी काफी ज्यादा है। देखिए लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच राहत की खबर ये है कि बीते 4 दिनों से जिस तरह से 4 लाख से ऊपर मामले सामने आ रहे थे वो देश में कम हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी रिकवरी रेट में सुधार देखने को मिला। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे थे कि रिकवरी रेट में सुधार है और लॉकडाउन की वजह से, आंशिक कर्फ्यू की वजह से जो है केसेस कम हुए हैं। तो देखिए कोरोना काल में गंभीर रूप से बीमार लोगों को बाहर निकलने से बचने के लिए कहा जाता है, लेकिन दिल्ली में कैंसर पीड़ित एक महिला एम्बुलेंस ड्राइवर घर से ज्यादा वक्त बाहर ही बिता रही है। अपनी बीमारी का दर्द भूलकर वो कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में जुटी हुई है। ये है दिल्ली की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर ट्विंकल कालिया। कोरोना के इस संक्रमण काल में इन्हें एक मिनट की भी फुर्सत नहीं है, फोन हमेशा घनघनाता ही रहता है। ठीक है, कहाँ पे लेके जाना है उनको? ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर है आपके पास? ओके, ठीक है जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ फटाफट। कॉल आते ही 37 साल की ट्विंकल कालिया तेजी से एम्बुलेंस चलाते हुए कोरोना मरीज के घर पहुंच जाती हैं और उसे अस्पताल में शिफ्ट करवाती हैं। इसी तरह से वो 100 से ज्यादा कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचा चुकी हैं। कैसे आप पूरा काम कर रही हैं और अब तक कितने जो कोविड मरीज हैं उनकी मदद कर चुकी हैं, उनको अस्पताल पहुँचा चुकी हैं? 100 से अबव अभी तक कोविड पेशेंट्स को हम लोग अभी इसी दौरान इस बारी लॉकडाउन में शिफ्ट कर चुके हैं। शिफ्टिंग का किसी भी हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है या सिटी के लिए लेके जाना है उसमें भी हम पूरी मदद कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि एम्बुलेंस ड्राइवर का तो काम ही है मरीजों को अस्पताल पहुंचाना, इसमें ट्विंकल क्या अनोखा काम कर रही है? लेकिन ये जान लीजिए कि ट्विंकल खुद ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, लेकिन कोरोना मरीजों की मदद के लिए उन्होंने घर पर बैठना पसंद नहीं किया और उन्हें वो फ्री में एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाती हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं आराम कीजिए और परिवार वाले भी कहीं ना कहीं बोलते हैं कि इतने मुश्किल दिनों से हमने तुझे निकाला है, 8-8 घंटे हम एम्स की लाइन में लगे रहते थे, 3 बार तेरी सर्जरी, रेडिएशन, कीमो सब हुआ है, पर मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ, शायद प्रभु ने इसी दिन के लिए मुझे बोनस की जिंदगी दी है कि मैं इसको सेवा में बिता सकूँ। मेरे बच्चे भी कहते हैं मम्मा किसी की लाइफ सेव करनी है तो आप जल्दी से जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग पूरा मेरा सहयोग करते हैं, उन्हीं के सहयोग की वजह से आज मैं ये सेवाएं दे पा रही हूँ।
ट्विंकल न सिर्फ मरीजों को अस्पताल ले जाती हैं, बल्कि मृतकों का शव शमशान घाट तक भी पहुंचाती हैं। यहां तक कि लावारिस शवों का अंतिम संस्कार तक करवाती हैं। 50 से ज्यादा लोगों का क्रिमिनेशन करवा चुके हैं, जिनके घर वालों ने बोल दिया था कि हम बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाएंगे। मैडम आप ही आइएगा, अपने साथ कुछ लोगों को लेके आइएगा जो बॉडी उठाएं और संस्कार करा के वीडियो हमें भेज दीजिएगा। ट्विंकल कालिया पिछले कई सालों से ऐसे ही मरीजों की मदद करती आ रही हैं और उन्हें इस काम की वजह से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक सम्मानित कर चुके हैं। कोरोना के ऐसे कर्मवीरों को हमारा भी सलाम है। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी मामले से बहुत बड़ी खबर। नवनीत कालरा को साकेत कोर्ट से राहत नहीं मिली है। नवनीत कालरा ने साकेत कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, अग्रिम जमानत मांगी गई थी, लेकिन राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब जो है वो मांगा है। कल फिर अग्रिम जमानत पर सुनवाई हो। नवनीत से साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन उसे अर्जी नहीं मिली। नवनीत की तलाश में क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है और नवनीत पर कालाबाजारी का आरोप है। वहीं आपको बता दें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी के मामले में आरोपी नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। एक तरफ पुलिस जिस तरीके से तलाश कर रही थी और अंडरग्राउंड हो चुका था नवनीत कालरा, क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई थी, लेकिन इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। उसके बाद लुकआउट नोटिस जारी किया गया, यानी देश छोड़कर बाहर नवनीत कालरा नहीं जा सकता। वहीं दूसरी तरफ साकेत कोर्ट में नवनीत कालरा ने अग्रिम जमानत याचिका जो है दाखिल की थी, जिस पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है कोर्ट ने। और अब आगे सुनवाई जब होगी तो देखने वाली बात यह होगी कि जमानत मिलती है या नहीं, क्योंकि लुकआउट नोटिस इसके खिलाफ जो है वो जारी है। तो देखिए, दिल्ली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी का ये पूरा मामला है जो आपको खबर बता रहे हैं। बहुत गंभीर जांच अब शुरू हो चुकी है। आरोपी नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। कालरा साकेत कोर्ट में, हालांकि उसने अर्जी डाली, उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिली। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कालाबाजारी का यह मामला, जिस तरीके से जी हिंदुस्तान ने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था किस तरीके से ऑक्सीजन का कालाबाजारी हो रही, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को भारी दामों में बेचा जा रहा है। एक तरफ लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन से, कई लोगों अब तक दम तोड़ चुके हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली में किस तरीके से ये कालाबाजारी होती रही। और बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के कैमूर में लॉकडाउन के दौरान सख्ती देखने को मिली है। कोविड नियमों को तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई की गई। नियम का पालन नहीं करने वालों के चालान काटे गए हैं। बिना पास वाले वाहनों के भी चालान काटे गए हैं। गाइडलाइंस न मानने वालों से उठक बैठक करवाई गई। शादी समारोह वाले जो लोग थे, जो शादी समारोह में जा रहे थे, ऐसे वाहन थे जिनके पास नहीं बने हुए थे, उन वाहनों के चालान भी काटे गए हैं। लोगों ने आरोप लगाया है पुलिस के ऊपर कि पुलिस जो है मनमानी कर रही है। लेकिन देखिए तस्वीर, ये कोरोना के खलनायक है जो बेवजह सड़कों पर घूमते पाए गए हैं, और इनके पास जब पूछने पर कोई वजह नहीं मिली, ना ही इनके पास कोई पास था, तो पुलिस ने कुछ इस तरीके से इन्हें सबक सिखाया है। और अगली खबर भी बिहार से है। बिहार में ऑक्सीजन कालाबाजारी पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर कटिहार स्टेशन पर 200 ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े गए। लोकमान्य तिलक ट्रेन से ये ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो आए थे। रेलवे स्टेशन के कर्मचारी ही कालाबाजारी कर रहे थे। रेल पार्सल गोदाम विभाग के 2 क्लर्क को निलंबित भी किया गया है। तो बिहार में भी देखिए ऑक्सीजन की कालाबाजारी किस तरीके से की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जी हिंदुस्तान पर। देखिए, बिहार में ऑक्सीजन कालाबाजारी पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। कटिहार स्टेशन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर 200 ऑक्सीजन सिलेंडर पकड़े गए हैं। और चलिए बिहार के बाद बात मध्य प्रदेश की कर ले। मध्य प्रदेश के शहडोल में लॉकडाउन तोड़ने वालों की पिटाई हुई है। पुलिस वालों ने सड़क पर गिराकर बुरी तरह से पीटा है। देखिए, गमछे से ग्रामीण का गला दबा करके पुलिस वालों ने किस तरह बेरहमी से यहां पर पिटाई की। ग्रामीण की पिटाई का ये वीडियो भी वायरल हुआ। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पुलिस वालों ने सड़क पर गिराकर एक ग्रामीण को, देखिए गमछे से किस तरीके से उसे बांधा है, पीटा है, बुरी तरीके से पिटाई की गई है। ये शख्स जो है वो लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से इसकी पिटाई की गई है वो भी सवाल खड़े करती है। वजह यही है कि पुलिस के ऊपर मनमानी का आरोप लगाते हैं लोग कि किस तरीके से पुलिस जो है वो गुंडागर्दी पर उतर आती है।
हालांकि इसने नियमों का पालन नहीं किया, लेकिन जिस तरीके से इसकी पिटाई हुई है वो इन तस्वीरों को जरा देखिए। सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि कोरोना का संकट काल चल रहा है, ऐसे में अगर लोग बेवजह बाहर घूमते पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से पिटाई नहीं होनी चाहिए। और देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना काफी ज्यादा हावी, उसी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। यूपी के 11 और जिलों में आज से शुरू हुआ 18 प्लस का वैक्सीनेशन, 45 प्लस के 1 करोड़ 35 लाख लोगों को यूपी में हो चुका है टीकाकरण। लखनऊ पहुंची 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन की नई खेप, प्रदेश भर में भेजी जाएगी डोज। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में किया इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण, मौजूद अधिकारियों से भी बातचीत की, स्पोर्ट्स कॉलेज में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। सीतापुर जेल में सपा सांसद आजम खान की तबियत बिगड़ी, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कराए गए भर्ती, अब्दुल्ला आजम को भी किया गया शिफ्ट। यूपी में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए केस, 296 लोगों की मौत हुई। कोरोना महामारी के बीच कफन चोर गैंग का खुलासा, यूपी के बागपत में पकड़ा गया कफन चोर गैंग। लखनऊ के हज हाउस में बने कोविड हॉस्पिटल का सफल ट्रायल, 25 बेड वाले अस्पताल से जल्द शुरू होगा इलाज। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 578 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 मरीजों की मौत। यूपी में शराब कारोबारियों की लॉकडाउन में दुकान खोलने की मांग, सीएम योगी को पत्र लिखकर के इजाजत मांगी। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लॉकडाउन का नहीं दिख रहा असर, पुलिस के सामने बेखौफ सड़कों पर घूम गए।